पॉइंट समझना है। बेटा तुम खड़ी क्यों हो क्लास में? सीट नहीं मिल रही, आगे आ जाओ, थर्ड लाइन में आ जाओ, थर्ड लाइन में बैठा लो बेटा उसको। फिर तेरी बहन को जब कोई कहेगा यहाँ आके बैठ जा, फिर अच्छा लगेगा? थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना। बैठ जाओ बेटा। चलो अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहां वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। समाज सबसे मिलके बनता है। तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है, कर्मा रिटर्न्स बैक है, ये सीधी थ्योरी है ये। और ये मैं अपने लिए भी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मानती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा ही मेरे साथ होगा या मेरे घर वालों के साथ। तुम जैसा कर रहे हो ऐसा तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा ही होगा। हम किसी भी बेटी के साथ गलत करेंगे ना, तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखना कि मेरी बहन भी पढ़ने निकलेगी। आज छोटी है तो कल निकलेगी। चाचा की बेटी, मामा की बेटी, ऐसा नहीं कोई घर में रिश्ते ही ना हो, माँ भी तो होगी। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा तुम्हारी माँ के साथ जरूर घटित हुआ होगा। अब तुम कर रहे हो, बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर, तुम्हारी उम्र का था वो लड़का। उसकी माँ लगा लो मेरी एज की, मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी, क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके माँ 40-45, उनकी माँ 45 साल तक की होती है। तो लगातार सीटियां बजा रहा है, उसकी माँ उसको कहती है बेटा मत कर, वो इरिटेट हो जाती है। तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, 45 साल की अधेड़ उम्र की एक औरत, एक घटिया लड़का, मतलब ऐसे नहीं होते बिल्कुल ही घटिया जिनकी परवरिश हो, वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है ये उस लड़के से मेल खाती है। बहुत अच्छा ऐड है, उसका एसेंस बहुत अच्छा निकल के आता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता। आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है, ये अपने आप सोच के देखो। ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे, तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के बैठ जाओ। तुम कोई वो छिछोरे 70-80 के दशक के लड़के थोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21वीं-22वीं सदी के लड़के बैठे हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो अब। अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना, तो ये सोच के बोलना कि मेरे घर में जो औरत है ना उसको ये सहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तुम ही लोगों ने समाज बना रखा है, इसको घटिया बना लो चाहे अच्छा। अच्छा बनाओगे तो पूरा समाज अच्छा बन जाएगा, घटिया बनाओगे तो तुम्हारी माँ को भी 100% सुनना पड़ता होगा, क्योंकि ये कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम सबको चार दीवारी में नहीं रख पाओगे, तुम्हारी माँ को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मार्केट सब्जी लेने जाती हो, गाँव में रहते हो तो गली में तो निकलती है ना, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो। तो ये ध्यान रखो सबको कि भाई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे। और इनको अलग मत समझो, जैसे तुम्हारी बहनें ऐसी ही ये हैं। पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तुम्हारी परवरिश अच्छी माने की है, कम से कम ये दिखा के चलना। चलो ये टॉपिक